काचा बादाम। ओए भाई ये छोड़ ना यार, बोरिंग कंटेंट। नई रील वायरल हो रही है मार्केट में, ये देख। देखी नहीं तूने? नहीं। ये देख यार, इसमें तो हम रील्स बना सकते हैं, हम इसमें डांस कर सकते हैं। अबे डांस देख यार इनका, यार कितना मस्त है। हाय लाला भाई, ओ भाई भाई सही है, ये तो बहुत सही है। काचा बादाम। गाइस क्या चल रहा है, व्हाट आर यू अप टू? चलो घर जाओ। और आप लोग समझ तो गए होंगे कि आज मैं किस खबर के बारे में बात करने वाली हूँ। काचा बादाम। पश्चिम बंगाल में मूंगफली बेचने वाले भुवन बंडियाकर अपनी मूंगफली बेचने के लिए कच्चा बादाम गाते थे, और इसी गाने ने उन्हें एक दिन फर्श से अर्श तक पहुंचाया। एक सोशल मीडिया यूजर ने उनका वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दिया, जिसके बाद वो स्टार बन गए और इस गाने को बांग्लादेश और भारत में वायरल होते ही यूट्यूब पर लाखों व्यूज हासिल हुए। लेकिन भुवन अब अपनी दो वक्त की रोटी के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं, और अगर खबरों की माने तो कॉपीराइट मुद्दों के कारण वो अपना गाना भी नहीं गा सकते हैं, जिसने उन्हें वायरल सिंगर बना दिया था। भुवन का कहना है कि वो एक किराए के घर में रह रहे हैं और किराए पर बहुत पैसा खर्च हो रहा है, और तो और उनके पास कमाई का कोई साधन भी नहीं है, और उन्हें नहीं पता कि कब तक चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी। भुवन ने यह भी बताया कि कच्चा बादाम गाने ने उन्हें मशहूर कर दिया था, लेकिन अब उसी गाने की वजह से अपने ही घर से वो बेघर हो गए हैं। भुवन का आरोप है कि बीरभूम की एक कंपनी और उसके मालिक ने उनका गाना ले लिया और इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी लिमिटेड का बहाना बनाकर उनके साथ धोखाधड़ी की। भुवन का ये भी दावा है कि जिसने उनको धोखा दिया है उससे उनका कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। भुवन ने कहा कि वो पढ़े लिखे नहीं है और कागज के दाव पेच नहीं समझ पाए, और अब उस कंपनी का दावा है कि उन्होंने उनका गाना खरीद लिया है। भुवन की इस हालत का जिम्मेदार आखिर कौन है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जैसा कि मैं कहती हूँ, एंटरटेनमेंट की करेक्ट वाइब ओनली ऑन ENT लाइव।